हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं बिस्तर पे कैसे बैठती हूँ, इस तरह से। मैं अपना बैसाखी रख देती हूँ इधर साइड में। मैं अपने पैरों को हाथ से ऊपर करती हूँ इस तरह से। मेरा पैर अपने से ऊपर नहीं आ पाएगा, अपना पैर दोनों हाथ से इस तरह करती हूँ। मेरा पैर पहले ऐसे मुड़ा हुआ, मेरा पैर इस तरह मुड़ा हुआ था, बहुत सारा ऑपरेशन हुआ जिस वजह से मेरा पैर सीधा हो गया। दो दो महीना करके 4 महीना प्लस कर रहा है, इस उंगली से लेके कमर तक दोनों पैर में। यहाँ पे प्लास्टर हुआ था, उसमें घाव हो गया था, बहुत बड़ा घाव हो गया था, ये ऑपरेशन हुआ है। अब ठीक है, अब मैं अपने बाइक से चलती हूँ। मैंने क्लिपर्स भी यूज किया था जब मेरा प्लास्टर कटा गया। 4 महीना प्लास्टर था, 2 महीना था तो फट गया प्लास्टर, तो फिर भी इतना पर मेरा पैर था टेढ़ा, तो फिर इसको सीधा करके 2 महीना के लिए और प्लास्टर रखा गया। और उसके बाद जब प्लास्टर कटाया तो क्लिपर्स मिला था दोनों पैर में पहनने के लिए, यहाँ से लेके कमर तक। मैं क्लिपर्स भी पहनी हूँ लगभग 2 साल तक। तो उसमें ना क्या होता है कि पहन के चलने में परेशानी, उसके साथ क्लिपर पहनती थी तब भी मैं बैसाखी यूज करती थी, बैसाखी क्लिपर्स दोनों, तो उसमें कंफर्टेबल नहीं लगता था, चलने फिरने में बहुत परेशानी होती थी। अगर बिस्तर पर बैठना होता था तो उसको खोलो, यहाँ से खोलो, यहाँ से खोलो, नीचे खोलो, फिर उसके बाद बैठो। कुर्सी पर बैठना होता था या नीचे बैठना होता था कहीं पे भी, तो बहुत परेशानी होती थी खोलने में। इसीलिए मैंने धीरे धीरे क्लिपर्स को बिना क्लिपर्स के चलना स्टार्ट कर दिया, और बिना क्लिपर्स के मैं बैसाखी के साथ चलती हूँ, कंफर्टेबल रहता है हमको बैसाखी के साथ ही। लेकिन बारिश में चलने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत स्लिप करता है, जब पानी रहता है, पाकी उकी रहता है, उसमें मिट्टी पानी रहता है, प्लास्टर पर भी मिट्टी पानी थोड़ा सा भी रहेगा, एकदम से इसका जो रबर है, ये बैसाखी का रबर है, बहुत जोर से फिसलता है। तो बारिश में मैं ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, यह है जो फिसल उसल जाता है बैसाखी, इसीलिए गिरा देता है, चोट उट लग जाता है, कहीं पर भी चोट लग गया। एक बार इतना कस के चोट लगा था यहाँ पे, दाढ़ी पे पूरा हल्दी चूना दवा इतना लगाई तब जाके ठीक हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि जब भी गिरती हूँ, मतलब धीरे से गिरती हूँ, ज़्यादा चोट उठने लगता है, सबसे भयानक चोट वही बना, यही मरा लगा था। देखिए मैं अपने पैर को, इस पैर को हाथ से कैसे इसको ऊपर कर दे रही हूँ, ये मेरे माथे के पास चला जाएगा, मेरा पैर माथा के पास चला जाएगा। गर्दन के पीछे नहीं जा रहा, ये गर्दन के पीछे भी चला जाएगा, ये पैर ऐसे भी हो जाता है। काम नहीं करता है ये, इसको जहाँ चाहो वहाँ घुमा लो, जिस तरह चाहो कर लो, लेकिन बोलो इसको चलने के लिए तो इसको जमीन पे टिक नहीं पाएगा, ये टिकता ही नहीं है, जमीन पे टिकता नहीं है, ये उंगली घिसटाते रहता है, ये घिसटाते घिसटाते देखिए घाव हो जाता है, पूरा घाव हो गया है। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे
मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊँ, किसी के सहारे नहीं रहना पड़े, मैं खुद का कमाऊँ, खुद का खाऊँ, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ एक और न्यू लव में। थैंक यू।